मंत्री जी, आज कई जगह बल्लभगढ़ में कार्यों का शिलान्यास किया है, कितनी लागत से ये कार्य होंगे? आज बल्लभगढ़ विधानसभा में है 1,76,00,000 के कामों का शुरुआत की गई, जिसमें सीवर का काम भी है, RMC रोडों का काम है, इंटरलॉकिंग गलियों का काम है। ये वार्ड नंबर 40 और वार्ड नंबर 39, इन दो वार्डों का काम है, जिसमें ऊंचा गांव है, यादव कॉलोनी के साथ लगती हुई कॉलोनियां है, 62 सेक्टर जो है उससे लगती हुई कॉलोनियां है, इन सबका काम है। और पिछले 10 सालों में मूलचंद जी ने जो बल्लभगढ़ का विकास किया है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा विकास करता हुआ न देखा है। और मोदी और मनोहर जी के नेतृत्व में विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं रहने दी गई। मैंने 2014 से पहले का फरीदाबाद और बल्लभगढ़ भी देखा है, और लोग चश्मदीद गवाह हैं कि बल्लभगढ़ की स्थिति 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है। आज कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो, सचिवालय हो, बच्चों के स्कूल की नई नई बिल्डिंगें हो, सड़कें हो, सीवर हो, बिजली हो, LED लाइटें हो, बस ये सब काम, आगरा कैनाल और गुड़गावा कैनाल पर पुल हो, हाईवे हो, यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम काम इन पिछले 10 सालों में लोकसभा क्षेत्र में भी और बल्लभगढ़ में भी आप खुद देखते हैं। तो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि 99.9 काम बल्लभगढ़ में हो गए हैं। जो छोटे मोटे काम है वो अगले महीने दो महीने में हो जाएंगे। मुझे लगता है बल्लभगढ़ में जैसा विकास पिछले 10 सालों में मूलचंद जी ने, जो हमारे मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, जो किया है वो बेमिसाल है।